चैट जीपीटी आईफोन में आ चुका है और ये पॉसिबल हुआ है iOS 18.2 डेवलपर बेटा में, जो कि मैंने अपने आईफोन में इंस्टॉल किया है। अब एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ नए फीचर्स इस नए अपडेट में आए हैं, तो वो क्या है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि चैट जीपीटी इंटीग्रेशन आप अपने फोन में कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो नया डेवलपर बेटा है 18.2, ये आपको मिलेगा कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एप्पल के वेबसाइट पे जाकर आपने एप्पल डेवलपर बेटा जो है उसके प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है और अपने डिवाइस को भी नए बेटा अपडेट्स के लिए रजिस्टर करना होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो डेवलपर बेटा होता है थोड़ा बगी होता है और उसमें क्रैशेस होने के पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं फाइनल वर्जन के लिए जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो डेफिनेटली आप वेट करें और जो फाइनल वर्जन है उसको इंस्टॉल करें। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आया है iOS 18.2 के डेवलपर बीटा में वो है इमेज प्लेग्राउंड और जेनमोजी। अब इमेज प्लेग्राउंड बेसिकली एक इमेज क्रिएशन टूल है जो कि आपके आईफोन में आपको इंस्टॉल दिखेगा, एक ऐप के थ्रू आता है और इसके थ्रू आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर कोई भी इमेज या फिर क्रिएशन बना सकते हैं। ये इस तरह ही काम करता है जिस तरह आप मेटा एआई, अडोबी फायरफ्लाई या फिर चैट जीपीटी को यूज कर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। एक और नया फीचर जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जेनमोजी, जो कि इस नए अपडेट में आया है। अब इसमें होता क्या है, जब भी आप इमोजीज आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक कस्टम इमोजी को बना सके कोई भी प्रॉम्प्ट डाल के, और आसानी के साथ आपको एक कस्टमाइज इमोजी मिल जाएगा शेयर करने के लिए। ये ऑप्शन आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही मिलता है, यहाँ पर जो आइकॉन दिख रहा है उसको आप टैप करने के बाद कोई भी इमोजी इमेज प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है राइटिंग टूल्स में कुछ नए अपडेट्स। अब बेसिकली क्या होगा, जो आपको नोट्स के अंदर राइटिंग टूल्स मिलते हैं, आपको प्रीव्यू के लिए कुछ कुछ फीचर्स पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, लेकिन अब आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि किस तरह आपको एक नोट का लैंग्वेज चाहिए या फिर उसका टोन चाहिए। तो बेसिकली अगर आप मान लो कि आपको एक कोई भी टेक्स्ट हो उसको ओपिनियन पीस में या फिर एक ब्लॉग पोस्ट के फॉर्म में लिखना है, तो आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे ये ब्लॉग पोस्ट या फिर ओपिनियन के फॉर्म में चाहिए, और एप्पल इंटेलिजेंस उसको कन्वर्ट करके उस फॉर्म में आपको नोट्स में वो टेक्स्ट दे देगा। और अगर आपको iOS 18 या फिर नए सीरी को अपने फोन पे इंस्टॉल करना है और उसके सारे नए फीचर्स देखना है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को जाकर चेकआउट करना जिसमें मैंने सारे iOS 18.1 के नए फीचर्स जो कि डेवलपर बेटा पे अभी एक्सेसिबल है उनको मैंने फीचर किया है। तो अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रीव्यू चाहते हैं बेसिकली कि iOS 18.1 में आपको AI के कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और नया सीरी फोन पर किस तरह लगता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को जाकर चेकआउट करना जो कि एक प्रीव्यू देगा आपको सारे फीचर्स का। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वीडियोस को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो शो सम लव। तो अब वापस टॉपिक पर, अब तक का सबसे बड़ा और मोस्ट अवेटेड फीचर मैं कहूंगा चैट जीपीटी आईफोन में इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और वो डेवलपर बीटा के इस वर्जन में हमने देखा है। अब इसमें होता क्या है, अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी कुछ कंपोज करे, तो आपको नोट्स के अंदर ही जो राइटिंग टूल्स हैं उनमें एक ऑप्शन दिखेगा कंपोज का, जहां पर एक चैट जीपीटी का आइकॉन भी बना हुआ है। कुछ नहीं करना, जिस तरह आप ऑनलाइन चैट जीपीटी को यूज करते हैं उसमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं या फिर उनको कुछ बताते हैं कि आपके लिए कुछ लिख के दे, सेम चीज आपको आईफोन के अंदर करनी है और चैट जीपीटी को बताना है कि आप क्या चाहते हैं उससे। और यही नहीं, एप्पल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीपी क्रेग फ्रेडरिकी ने यह भी कहा है कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो फोन के अंदर ही होगी और आपका प्राइवेट डेटा सेफ रहेगा। और लास्ट एक फीचर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है विजुअल इंटेलिजेंस। बेसिकली अगर आपने गूगल लेंस पहले देखा हो, जब आप अपने कैमरा को किसी भी तरफ पॉइंट करते हैं और एक इमेज या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, तो गूगल लेंस आपको बता देता है। वही सेम फीचर अब आईफोन में आ चुका है विजुअल इंटेलिजेंस के नाम पर। बेसिकली अगर आप 16 या फिर 16 प्रो सीरीज का कोई भी आईफोन यूज कर रहे हैं, तो कैमरा कंट्रोल बटन को यूज करके अपने लॉक स्क्रीन से अगर आप किसी भी चीज पर पॉइंट करेंगे, तो फिर विजुअल इंटेलिजेंस आपको उस चीज की डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दे देगा, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को लेकर, तो उसके भी जवाब आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ये एक अच्छा फीचर है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कि AI किस तरह काम करता है, और ये 16 और 16 प्रो सीरीज में है, 15 और 15 प्रो सीरीज में
नहीं मिल रहे हैं, तो यस डेफिनेटली अगर आपके पास नया आईफोन आया और नया अपडेट कर लेते हो तो ये फीचर जरूर ट्राई करना। तो ये थे iOS 18.2 डेवलपर बीटा के कुछ नए फीचर्स, एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ नए अपडेट जो कि आईफोन में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ये डेवलपर बीटा है, हमने फोन में इंस्टॉल किया है तो इसलिए हम इन फीचर्स को एक्सेस कर पाए। अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप किस तरह डेवलपर बीटा अपने आईफोन में डाल सकते हैं और उसके सेफगार्ड्स ही बताएं कि आपको डालने से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। होपफुली आपको ये फीचर्स जो हमने बताए थोड़े इन्फॉर्मेशनल लगे और अपने आईफोन पे आप ये जरूर ट्राई करना चाहेंगे। हमें कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट फीचर इसमें से कौन सा है और कौन सा ऐसा फीचर है जो आप एक्साइटेड हैं अपने आईफोन में यूज करने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं फिर से वापस आऊंगा iOS और भी फन टेक लेकर। सो स्टे ट्यून्ड टू फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे। दिस इज साइरस साइनिंग ऑफ।